अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? इतने ज़्यादा मेरे पर रिक्वेस्ट, इतने ज़्यादा मेरे पर मैसेजेस थे, तो मैंने कहा कि बस आप इसके ऊपर काम करना है। क्या है वो रिक्वेस्ट आप लोगों की? कि आपने कहा कि आप वेजिटेरियन यानी वेजी की डाइट स्टार्ट करें। तो बस 6 डे की डाइट मैंने आप लोगों के लिए प्लान कर ली है और अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, आज है मंडे और आज का जो डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करूंगी वो बहुत ही कोई यमी और बहुत ही कोई ज़बरदस्त है। आपको ज़रूर मज़ा आएगा और मुझे भी आपके साथ मज़ा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं लूँगी, सब वेजिटेरियन होगा पूरा 6 डे तक आप लोगों के साथ। तो कौन कौन ये चैलेंज आज से स्टार्ट कर रहा है मेरे साथ, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यानी वेजिटेबल की आपके काफ़ी सारी डिफरेंट आपको रेसिपीज भी मिलेंगी। अगर वेजी की नहीं होगी तो हमने बिल्कुल भी नॉन वेज लेना है, मैंने बिल्कुल भी, मैंने इस 6 दिन वेज नहीं लेना, तो ये भी मेरे लिए एक अच्छा चैलेंज है। थोड़ी कैलोरीज को देखते हुए हम ये डाइट स्टार्ट करते हैं 6 डे की। तो यहाँ मैं आपको वो ब्लैक कॉफ़ी बनाना सिखाऊंगी। काफ़ी सारे पहले था लोगों के सवाल के भाई हमें ब्लैक कॉफ़ी सूट नहीं करते या बहुत गर्मी है तो हम नहीं पी पा रहे, तो आप बिल्कुल माइनर सा लें। ब्लैक कॉफ़ी में इसलिए आपको कहते हैं क्योंकि वो वेट रिड्यूस करने में यानी हमारे फैट्स को बॉडी से कट करने में हेल्प बहुत करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके वेट लॉस जल्दी से जल्द हो तो आप थोड़ी सी, भले आप 1 टीस्पून ना लें, कोई 1 टीस्पून इतनी गर्मी तो जाहिर है मैं कहूँगी ना लें, आप हाफ से, मैं आपके सामने दिखाया बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ली, बस आप इतना ले लें, बस आपको ब्लैक कॉफी का यानी वो लेना ताकि आपके जो फैट होता है ना हमारा वो ये कट करे। तो यहाँ मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी सुबह की ठंडी ठंडी हवा के साथ। यहाँ पर वेट भी कर रही थी मैं वैन का, इब्राहिम का, और अपनी ब्लैक कॉफ़ी का एंजॉय भी कर रही थी। आज मैं नाश्ते में क्या बनाने लगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक यूनिक चीज़, यानी जो पिज़्ज़ा ब्रेड होती ना जिसके साथ जो ब्रेड आती है वैसा टेस्ट देगी आपको डेफिनेटली, मतलब आप बहुत इंजॉय करोगे, मैंने तो बहुत इंजॉय की थी। अच्छा, मैंने लिया है यहाँ पर देसी घी 1 टेबल स्पून। आप इसकी जगह बटर ले सकते हैं यानी मक्खन, मुझे मक्खन पसंद नहीं है, मैं मक्खन खाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने घी लिया है, ठीक है, आप मक्खन ले सकते हो। और इसमें मैंने डालूंगी लाल मिर्च, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसको स्पाइसी बनानी थी ब्रेड को। अब उसमें मैं डालूंगी लहसुन, लहसुन इतना अच्छा आपके डाइट के लिए होता है, आपके वेट रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, आपको इम्प्रूव डाइजेशन भी करता है, आपके स्किन को ब्राइट भी कर लेता है और बैलेंस ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है यानी बैलेंस लगता है और आपके अब बूस्ट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, तो ये बहुत अच्छा होता है लहसुन। तो आप अपनी डाइट पे ना, क्यों हम अदर लहसुन डालते हैं, वो इसलिए भी डालते हैं नेचुरल है, अगर हम इसके बारे में पढ़ें ना तो आपको पता चल जाएगा कि अदरक के और लहसुन के दोनों के बड़े फ़ायदे हैं। तो अपनी डाइट में वो चीज़ें आप ज़रूर ऐड करें जिससे वेट रिड्यूस होता है, जिससे स्किन अच्छी होती है। तो जो लोग कहते हैं ना हमारी स्किन डल हो गई है डाइट करते करते, जब उनकी डाइट हेल्दी होगी ना, जो मैं आपको डाइट शेयर कर रही हूँ ये हेल्दी डाइट है, इससे आपके बाल नहीं गिरेंगे इतने, आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, ना आप वीक फील करोगे, ना आप चक्कर खा के गिरोगे, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जो मैं आपसे डाइट शेयर करती हूँ मैं इसमें जो चीज़ें ऐड कर देती हूँ वो आपको फुलफिल भी कर देगा, यानी मैंने ये 1 ब्रेड ली है और मैं अच्छा खासा अपने आप को फुलफिल समझ रही थी, मैं ये नहीं, यानी मैंने जो नाश्ता लिया है वो नाश्ता मेरे लिए फुलफिल था, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्रेड को बिल्कुल अच्छे से, जो मसाला जो पकाया था मैंने थोड़ा सा उसको भुना था आपके सामने जो आप देख रहे होगे, और मैं अच्छे से उसको वो करूँगी, मतलब इसके अंदर जर्ब करूँगी ताकि ये एक ब्रेड के अंदर आ जाए। और जब मैं इसको खा रही थी ना, यकीन जाने ऐसे लग रहा था जो पिज़्ज़ा के साथ ब्रेड आती है ना ये वही टेस्ट दे रही थी, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ऊपर से यानी मैंने 1 टेबल स्पून को आधा कर दिया था, वो 1/2 टीस्पून मैंने पहले डाला, यानी 1 टीस्पून मैंने पहले डाला और अभी 1 टीस्पून डाल के मैं इसको सेकूँगी ताकि ये आगे पीछे दोनों तरफ से क्रिस्पी बने। आई लव क्रिस्पी फूड्स लाइक क्रिस्पी पराठा हो, क्रिस्पी ब्रेड हो, तो मुझे पसंद है क्रिस्पी लाइक इस तरह की चीज़ें। धनिया मैंने इसलिए डाला था ताकि थोड़ा सा आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। आप इसमें अनियन ऐड कर सकते हो, आप इसमें लहसुन धनिया जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैं लूँगी शुगर फ्री बिस्किट, इसमें 4 थे और चाय, यानी मेरा ये नाश्ता मुझे फुल था। अगर आप 2 ब्रेड लेना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी कैलोरीज को देखते हुए अपने नाश्ते को कर लीजिएगा। ये जो मेरी कैलोरीज बन रही है वो 395 बन रही है। तो यहाँ हो गया था लंच का टाइम, और लंच में मैं लूँगी अपने ब्लैक छोले। अगर ब्लैक छोले की रेसिपी आपको चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में डाल दूँगी उसकी ब्लैक
छुलेगी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा इजीली, ये बहुत यम्मी बनते हैं। आप इसके साथ लोबिया भी ले सकते हो, वाइट चना भी ले सकते हो, लेकिन ब्लैक चने मैं इसलिए लेती हूँ, एक तो ये आपको फुलफिल रखता है, फुल ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर आपको बॉडी में मिल जाता है। दूसरा ये आपके वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो आपको बी देर तक फुल भी रखता है। तो आपको जब इतना कुछ इस ब्लैक छोले में मिल जाता है इसी तरह, तो आपको कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये लंच मेरा ऐसा बाउल होता है, यानी ऐसा बाउल मैं भर लेती हूँ कि मुझे कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इतनी फ्रेश आप वेजिटेबल डालो, आपको वेज जो पसंद हो आप वो डाल सकते हो। मैं ये डालूँगी इसके साथ, मैं डालूँगी इसमें वो जो मैं निमकोस लेती हूँ, आपको पता है कि मैं एक मुट्ठी भर के निमको डालती हूँ। ये बिल्कुल भी आपके कम कैलोरीज वाला आपका लंच होगा, और आपको फुलफिल भी रखेगा, और आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं, आप अपने माइंड में ये मत रखा करें कि इतनी कम कैलोरीज है तो हम चक्कर खा के गिर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि हम प्रोटीन भी ले रहे हैं, फाइबर भी ले रहे हैं। ये जो मैं आपसे डाइट शेयर कर रही हूँ ना, अगर आप इस सब के बेनिफिट्स पढ़ो ना, तो आपको बहुत कुछ आपकी बॉडी में जा रहा है और बहुत हेल्दी वे में जा रहा है, आपकी लाइफ हेल्दी लाइफ स्टाइल बन रही है। तो ये 130 कैलोरीज का मेरा पूरा बाउल बना था। यहाँ मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना वेज वाली डाइट चैलेंज डे 1। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, और कल डे 2 होगा, क्या खाऊंगी उसमें वो भी आपको देख लीजिएगा। यहाँ मैंने लिए दाल मीठा कर दूँ एंड अपनी जोगी रोटी, साथ साथ कैलोरीज लिख दूंगी ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा जो डिनर की कैलोरीज थी वो क्या थी। सबकी मैंने कैलोरीज लिख दी है, टोटल कैलोरीज मेरी ये बनी है, एंड में लिख दूंगी वीडियो में। और मेरे मियाँ जी लाए थे गरम गरम मूंगफली, और आपको पता है मूंगफली रात में नहीं खानी चाहिए, अगर आप मूंगफली के शौकीन हो तो आप दोपहर में या सुबह खा लो, लेकिन मुझे गरम गरम देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। एक मूंगफली में 6 कैलोरीज होती है, और मैंने यहाँ 35 दाने गिन के लिए ताकि मेरे 210 कैलोरीज बने। आप होल डे में 1300 कैलोरीज ले सकते हो, 1400 भी ले सकते हो सम टाइम, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें 13। यहाँ मेरी जो कैलोरीज बनी थी वो बहुत कम बनी थी, आप देख सकते हैं, यानी इतना कुछ खाने के बावजूद और हेल्दी डाइट। अब मैं अपने आपको बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।